हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी जो ये वीडियो है वो IUPAC नॉमेनक्लेचर पर डेडिकेटेड है, यानी उसी की सीरीज़ चल रही है जो हमारी पिछली वीडियोस आपके सामने अपलोड हो रही हैं। आज इस सीरीज़ में, यानी आज हम इस वीडियो में प्रायोरिटी पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि कल हमने देखा था कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या हमारे पास सब्स्टिट्यूशन आते थे, प्रतिस्थापी आते थे, तो इनमें से हम किसको प्रेफरेंस देते थे? इनमें से हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पहले देते थे, डबल बॉन्ड को उसके बाद में, ट्रिपल बॉन्ड को उसके बाद में, और सबसे आखिरी में सब्स्टिट्यूशन होता था। ठीक ना, इतनी बातें हम लोग कल, यानी कि आगे की पिछली वीडियो में हम लोग करके आए थे। ठीक ना, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए कि कार्बन की चेन में, यानी एक कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएं तो हम नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो कल मैंने चार्ट बनवाया था, यानी पिछली वीडियो में, वो चार्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पर हम लोग इस प्रीफिक्स जो मैंने उस कल बताया था, यानी पिछली वीडियो में बताया था कि इस प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो वो यहाँ पर इस हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये प्रीफिक्स का कहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है। ठीक ना, तो चलिए आइए समझते हैं बच्चों। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपके सामने पूरे फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, उसके साइन बने हुए, कैसे उसको पहचानेंगे। प्रीफिक्स ये देखिए लिखे हुए हैं, प्रीफिक्स, और इधर लिखे होंगे सफिक्स। ठीक ना, ये प्रीफिक्स लिखे हैं और ये सफिक्स लिखे हैं पूरे पूरे। तो कब ये इनका प्रयोग एज अ प्रीफिक्स होता है और कब इनका प्रयोग एज अ सफिक्स किया जाता है? सफिक्स तो किया जाता है वो आपको पता ही है, लेकिन प्रीफिक्स के बारे में नहीं पता है तो बता देता हूँ बच्चों। एक एग्जाम्पल के तो समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल को देखिए आप, ये कार्बन चेन है, यहां पे आपको ए फंक्शनल ग्रुप ये दिख रहा है। ठीक ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा ये दिख रहा है, यानी अल्कोहल। दो ग्रुप दिख रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप नंबर वन दिख रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप नंबर टू दिख रहा है। तो इसमें से प्रायोरिटी किसे दे, नंबरिंग हम किधर से चालू करें? ठीक ना, प्रायोरिटी के हिसाब से किसको पहले रखा जाए। ठीक, तो समझिए बच्चों, ये जो आपकी टेबल बनी है ये एक तरीके से सीक्वेंस में ही लिखी गई है। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रायोरिटी बढ़ती चली जाती है। यानी कहें कि कीटोन और अल्कोहल में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो हम कहेंगे कीटोन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो पहले अल्कोहल से क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। समझ रहे होंगे आप बात को। तो प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पर ये टेबल बनाई गई है। किसने बनाई है? IUPAC। IUPAC कौन है, सभी जानते होंगे आप, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने ये सारी की सारी एक संस्था है जो नेमिंग वगैरह ये सारी चीज़ों को देखती है। ठीक, तो उसने ये बनाया। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला फंक्शनल ग्रुप, दूसरा फंक्शनल ग्रुप, तो सेकेंड फंक्शनल ग्रुप का होता क्या है? ठीक ना, नंबरिंग तो हमने पता कर ली, कि नंबरिंग हम यहाँ से चालू करेंगे जिधर से प्रायोरिटी पहले पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड पहले, तो नंबरिंग इधर से चालू होगी और वो एज अ सफिक्स काम करेगा। याद रखिए बच्चों, जिधर जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा वो एज अ सफिक्स काम करता है और दूसरा वाला बन जाता है प्रीफिक्स। ठीक ना, यानी जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा वो एज अ सफिक्स काम करेगा, यानी आखिरी में ही लिखा जाएगा 1 डिग्री सफिक्स, और जो क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप होते हुए भी उसकी प्रायोरिटी कम हो जाती है। ठीक ना, फंक्शनल ग्रुप में उसकी प्रायोरिटी कम है, यानी कि यहाँ का पहला एग्जांपल देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या होगी, प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई और अल्कोहल की कम हो गई, क्योंकि नीचे आ रहा है, सीधी सी बात है। तो जो अल्कोहल होगा वो हमारा क्या, कैसा यूज़ होने लगेगा, वो एज अ प्रीफिक्स यूज़ होने लगेगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई? एक एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं, तब इसको आगे चर्चा करते हैं। देखिए यही एग्जांपल है, तो नंबरिंग इधर से चालू होगी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है। ठीक, नंबरिंग हो गई, कार्बन चेन हमने पहचान ली, सीधी थी, ये भी ऐड हो जाएगा, क्यों? ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये तो
एज अ क्या काम कर रहा है, सफिक्स, क्योंकि हमने देखा प्रायोरिटी लिस्ट में कि कार्बोक्सिलिक एसिड पहले आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसको प्रेफरेंस हम ज़्यादा देंगे अल्कोहल की अपेक्षा, तो ये एज अ सफिक्स काम आएगा, ठीक ना। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं, नंबरिंग हो गई है। 1 डिग्री प्रीफिक्स है क्या? हाँ प्रीफिक्स है, कौन? अल्कोहल। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है, तो वो एज अ क्या काम करेगा यहाँ पे? प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। तो कितने नंबर पे आ रहा भैया? 2 नंबर पे। तो हम क्या लिखेंगे? 2-hydroxy, देख रहे हो इसका प्रीफिक्स क्या है? हाइड्रोक्सी, एल्कोहल का। क्लियर है बात? 2-hydroxy, ठीक। रिंग बन रही है क्या? नहीं, रिंग कोई नहीं बन रही, सेकेंडरी की प्रीफिक्स नहीं है। कार्बन चेन रूट वर्ड क्या होगा? 5 कार्बन, तो पेंट। सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक ना। और देखिए 1 नंबर पर क्या लगा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या इसके लिए लगाते हैं सफिक्स? ओइक एसिड। क्लियर है बात? 2-hydroxy पेंटेन 1-oic acid, इसका क्या होगा? नाम होगा। क्लियर है बच्चों? समझ गए बात? चलिए दूसरा एग्जांपल करते हैं। दूसरे एग्जांपल में देखिए ये पूरी कार्बन श्रृंखला आपको दिख रही होगी यहां पे देखिए आपको तीन फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। एक ये दिख रहा होगा कीटोन है, ये आपका दिख रहा होगा एल्कोहल है, और NH2 आपका क्या है? एमीन है। क्लियर है? अब देखिए तीन दिख रहे हैं, तो प्रेफरेंस के हिसाब से देखा जाए तो कीटोन का नंबर पहले है, तो नंबरिंग किधर से होनी चाहिए? जिधर से कीटोन पास पड़े, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गई भैया नंबरिंग। क्लियर है? अब आते हैं नॉमेनक्लेचर, नाम करते हैं, ठीक ना। तो ये दोनों ऐसा किस क्या काम आएंगे? प्रीफिक्स के तौर पर। ये सफिक्स हो गया, प्रीफिक्स हो गया, नाम लिखते हैं चलिए। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स, तो देखिए 2 प्रीफिक्स है हमारे पास, एक है अल्कोहल, अल्कोहल के लिए लगाते हैं हम क्या? हाइड्रोक्सी। अल्कोहल के लिए क्या लगता है? OH के लिए क्या लगता है? हाइड्रोक्सी यानी H। और हमारा ये एमीन है, उसके लिए लगाएंगे हम क्या? एमीन। एमीन के लिए क्या लगाएंगे? एमीन ही लगाएंगे। तो एमीन आता है अल्फाबेटिकल A से, और हाइड्रोक्सी स्टार्ट होता है H से। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे? 4-amine। क्या लिखेंगे? 4-amine। क्लियर है बात? फिर क्या लिखेंगे? 3-hydroxy। क्लियर है? 4-amine 3-hydroxy। रिंग बन रही है? नहीं बन रही। कार्बन चेन कितने की? 5 की है, तो पेंट लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाएंगे। और कितने नंबर पे हमारा है? 2 नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 2-ON। तो क्लियर है? 4-amine 3-hydroxy पेंटेन 2-ON, इसका क्या हो गया? नॉमेनक्लेचर, नाम हो गया। क्लियर है बात बच्चों? समझ में आ रही होगी आपको, ठीक। फिर से अगला एग्जांपल देखते हैं। ये कार्बन कार्बन की चेन है, देखिए नंबरिंग करेंगे एल्डिहाइड ग्रुप से, क्योंकि एल्डिहाइड 7 नंबर पे यहाँ दिखा रहा है, और अल्कोहल क्या आ रहा है? अल्कोहल उसके बाद आ रहा है, तो नंबर यहाँ से चालू करेंगे। 1, 2, 3, 4 4 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर प्रेफरेंस हम पहले देंगे किसको? एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड एज अ सफिक्स काम करेगा, और OH हमारा एज अ प्रीफिक्स हो जाएगा यानी हाइड्रोक्सी। तो हम लिखेंगे 4-hydroxy, ठीक ना। रिंग बन रही है? नहीं बन रही। सेकेंडरी सफिक्स प्रीफिक्स नहीं है। कार्बन की चेन में 4 है, तो 4 है तो ब्यूट, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन। कितने नंबर पे? 1। एल्डिहाइड के लगता है अल, तो क्या लगेगा? 4-hydroxy butane 1-al, या 4-hydroxy butanal भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है बात? आखिरी एग्जांपल देखते हैं चलिए बच्चों, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने कार्बन चेन पहचान ली है, 5 कार्बन की चेन है, और यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहे होंगे। एक तो आपका दिख रहा होगा नाइट्रिल ग्रुप, ठीक ना, CN, और दूसरा दिख रहा होगा आपका कौन सा ग्रुप है? एमाइड, ठीक ना। तो एमाइड देखिए जैसा कि सीरीज में दिखा रहा है, एमाइड पहले आता है, एमाइड को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। ये ऐसा क्या काम करने लगेगा? प्रीफिक्स काम करने लगेगा, तो प्रीफिक्स पहले आएगा, तो कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे क्या लगाएंगे? प्रीफिक्स साइनो लगाएंगे, तो 5-cyno, कितने कार्बन की चेन है? 5 pent, सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगेगा, ठीक। 5-cyno pentane कितने नंबर पे है?
फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पे है तो क्या लगेगा, एमाइड के लिए एमआईडी लगता है, तो वन एमाइड, या आप लिख सकते हो फाइव साइनो पेंटेनामाइड भी इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई क्या है? बस समझने वाली बात क्या है कि जब हम देखें कि फंक्शनल ग्रुप अगर एक साथ कार्बन की चेन में आता है तो प्रेफरेंस या नंबरिंग हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जिसकी प्रायोरिटी पहले होगी, जो टेबल में पहले आता होगा। क्लियर है बात? और दूसरा वाला कैसा काम करने लगेगा, दूसरा वाला एज आ आपका प्रीफिक्स बन जाता है, प्रीफिक्स ये आपके सामने लिखे हुए हैं, टेबल बनी हुई है, ठीक ना। ये और टेबल में और भी कंपाउंड होते हैं, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है बेसिक सा कि आपको चीज़ों को करना आ जाए, ठीक ना, आप समझने लगे नॉमेनक्लेचर, ठीक। तो कुछ एग्जांपल और लेते हैं हम लोग और उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसको रब करते हैं, ठीक। देखिए बच्चों, कुछ बेंजीन के हम लोग देखते हैं, ये बच्चों आप देख रहे हो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक ना। आप सभी जानते हो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक ना। या इसको एक फॉर्म और इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है इसका। और यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो एंड पॉइंट होते हैं ना, ये वाले जहाँ पे ये टूटता हुआ दिख रहा है, यहीं पे कार्बन होते हैं, इनको कार्बन माना जाता है, ठीक ना। ये 6 कार्बन आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, और हाइड्रोजन लिखे नहीं जाते, ठीक। तो ये है हमारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, ठीक, बेंजीन बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम अगर देख लीजिए, अगर बेंजीन रिंग में अगर इसका नॉमेनक्लेचर के लिए मान लीजिए आ गया, इसका हम लोग को बनाने के लिए आ गया, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ठीक ना। तो ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा, क्योंकि अटैचमेंट यहाँ से है तो यहीं पर नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 करके, तो हम इसको बोलेंगे 1-ब्रोमीन को आप जानते हो एज अ प्रीफिक्स काम करता है, तो क्या लिखेंगे, 1-ब्रोमो, और इसका नाम हो जाएगा 1-ब्रोमो-बेंजीन। ऐसा कैसे हुआ, समझिएगा ये फॉर्मूले को आप देखिए, 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस कार्बन चेन प्लस सेकेंडरी सफिक्स प्लस प्राइमरी सफिक्स। यहाँ पर बच्चों इन तीनों को कंबाइन कर दें, अगर हम किस तीनों को, 2 डिग्री प्रीफिक्स कार्बन चेन और 2 डिग्री सफिक्स, इसको ही हम बेंजीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको ही हम बेंजीन बोलेंगे नॉमेनक्लेचर करते वक्त, इसको ही बेंजीन बोलेंगे। तो हमें ढूंढना क्या रहेगा, हमें ढूंढना रहेगा 1 डिग्री प्रीफिक्स और 1 डिग्री सफिक्स को हमें उस पूरे कंपाउंड में ढूंढना रहेगा, ठीक ना। जब हम ढूंढ लेंगे तो बड़े आराम से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। क्लियर है बात? जैसे मैंने यहाँ पे किया, रिंग बनी थी, प्रीफिक्स था, तो प्रीफिक्स जैसे पहले लिखते थे वैसे पहले लिखा, कोई भी सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स नहीं बन रहा था कोई भी, ठीक ना, क्योंकि रिंग नहीं बन रही थी, खुद ही बेंजीन है। तो ये रिंग, कार्बन चेन और सेकेंड डिग्री सफिक्स, ये तीनों मिला के क्या हो गया, बेंजीन। क्लियर है बात? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी कि वन इसको खोजना है, ये तीन को बेंजीन लिखेंगे और 1 डिग्री सफिक्स। अब इसी को देख लो, जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें ना तो कोई प्रीफिक्स लगा ना ही सफिक्स, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, बेंजीन बोल रहे हैं ना। तो उसी तरीके से हम कोई भी प्रीफिक्स ढूंढेंगे खोजेंगे, या उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होगा उसको खोज करके उसका नॉमेनक्लेचर इसी हिसाब से करेंगे, ठीक ना। एक एग्जांपल और देखते हैं, तो आप लोग उसको हम लोग फॉलो करते हैं। चलिए यहां पे मान लीजिए आपका OH जुड़ा है, ठीक ना, OH ग्रुप लगा है, नहीं दिख रहा, ऊपर लगा देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए OH लगा है, ठीक ना। तो ये क्या है, एज अ फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 यहीं से नंबर चालू होगा, ठीक ना। तो 1 पे क्या लगा है,
सफिक्स, सफिक्स तो वन पे क्या लगा है, सफिक्स लगा है। तो सफिक्स कब लगता है, नाम के बाद में लगता है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, बेंजीन वन ऑल, तो इसको हम बेंजेनॉल भी बोल सकते हैं या बेंजीन वन ऑल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या था, सफिक्स, इस वाले कंपाउंड में एज अ प्रीफिक्स था, इसलिए हम पहले लगाए थे, देखिए बेंजीन बाद में लगाए, ठीक ना। तो ये इस तरीके से हम लोग बेंजीन के एग्जांपल भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए एक और देख लें, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए चलिए यहाँ पे देखिए, आपका प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूशन भी लगा हुआ है और फंक्शनल ग्रुप भी लगाया मैंने एमाइन, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग यहीं से चालू होगी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। तो हमारे दो नंबर पे कौन सा आ रहा है, दो नंबर पे प्रीफिक्स आ रहा है 2-bromo, ठीक ना। बेंजीन लिखिए फटाक से, बेंजीन, और हम लोग कितने नंबर पे, 1 नंबर पर क्या है, एमाइन लगाएंगे, तो 1-amine, क्लियर है बात। तो 2-bromo-benzenamine भी बोल सकते हैं आप, या बेंजीन 1-amine भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी के साथ इस फॉर्मूले का, इस ट्रिक का, इस टेक्निक का प्रयोग करके हमने कई ढेर सारे नॉमेनक्लेचर को देखा, और भी बहुत ढेर सारे नॉमेनक्लेचर होते हैं जैसा कि मैंने बताया, इस सब के तो चैप्टर में ही होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया आपका, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ये सब आपके चैप्टर ही हैं क्लास में। तो बेटा अब हम लोग की जो नेक्स्ट वीडियो पड़ेगी वो पड़ेगी आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन पर, ठीक ना। यानी कि ये चैप्टर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, और वहाँ पे भी हम कई कंपाउंड के IUPAC नेमिंग करेंगे, उसको भी समझेंगे। मेरा इस वीडियो को बनाने या इस IUPAC को बनाने का बस यही उद्देश्य था कि आपको बेसिक तरीके से जानकारी मिल जाए कि कैसे IUPAC हम लोग बनाते हैं, ठीक बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी अब स्टडी यानी कोर्स पर पड़ेगी, क्लास 12 का पहला चैप्टर पड़ेगा, और आप लोग इसी तरीके से हमारी वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए